जिंदगी में कितना भी धनवान पलवान ज्ञानवान दानवान यशस्वान धर्ममान दुनिया का ऊंचा पद प्राप्त कर लेना, पर लिखते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच संकर सम होई। भगवान शिव कहते हैं कोई मेरी कितनी बड़ी पूजा पाठ तपस्या कर ले, पर जिंदगी में यदि सतगुरु नहीं बनाया, गुरु ज्ञान नहीं लिया, गुरु मंत्र धारण नहीं किया, शिष्य नहीं बना, तो शिव कहते कितनी भी बड़ी पूजा पाठ करने पर संसार की चीजें तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसे पापों से मुक्ति नहीं दूंगा, जीवन को भक्ति नहीं दूंगा, धर्म की शक्ति नहीं दूंगा, विश्वास नहीं तो सच बताना। रावण ने शिव जी की जैसी पूजा करी, रावण ने जैसी शिव की तपस्या करी, भारत के इतिहास धर्म इतिहास में कोई दूसरा ऐसा पैदा हुआ क्या? नहीं। पर इतनी तपस्या करने वाला रावण की सदगति क्या हुई? उसके खानदान में मरने के बाद चार कंधे लगाने वाले नहीं मिले। क्या शिव की पूजा करने वाले को ऐसा फल मिलेगा क्या? धन्यवाद। और उसी के भाई विभीषण ने न शिव की तपस्या करी न राम की तपस्या करी, बस उस विभीषण ने सतगुरु बनाकर राम नाम मंत्र का कीर्तन करते हुए मेरे प्रभु की कृपा पात्र बन करके जिस लंका को रावण ने दस सर चढ़ा कर लिया था, राम जी ने आशीर्वाद में ही प्रदान कर दिया। धन्यवाद। एक ही साथ में दो भाई हैं, एक ने किसी को गुरु नहीं बनाया, सतगुरु नहीं बनाया, गुरु मंत्र नहीं लिया, बिना सतगुरु मंत्र लिए ये मानव शरीर ऐसे होता है जैसे कुम्हार के यहां बिना अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी से बना कच्चा घड़ा होता है। कच्चा घड़ा किसी पूजा में काम आएगा क्या? वही घड़ा जब अग्नि में पक जाता है तो वही घड़ा मंगल कलश में पूजन में काम आता है। इसी प्रकार ये मानव शरीर मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद जब तक आध्यात्मिक जन्म नहीं होता, धर्म जन्म नहीं होता, तो गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच संकर सम होई। विरंच कहते ब्रह्मा को, कोई शंकर और भगवान और ब्रह्मा के समान कोई शक्तिशाली धनवान बलवान ज्ञानवान बुद्धिमान बन जाए, पर गुरु मंत्र लिए बिना शिष्य बने बिना ये शरीर से किया हुआ धर्म कर्म का कोई फल प्राप्त नहीं। जैसे रावण ने जिंदगी में क्या प्राप्त नहीं किया, बल प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, परिवार प्राप्त हुआ, शिव की तपस्या प्राप्त हुई, शिव के दर्शन हुए, राम के दर्शन हुए, हनुमान के दर्शन हुए, दुर्गा के दर्शन हुए, पर रावण को पुण्य करने का फल मिला क्या? बोलो ना। नहीं। और उसी विभीषण ने कुछ भी नहीं किया, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। क्या किया था विभीषण ने? ना तपस्या करी, ना भजन किया, ना यजन किया, ना सृजन किया, क्योंकि विभीषण को तो बांध कर एक कुटिया में डाल रखा था, हनुमान जी से खुद अपनी हालत बताया था, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दस नन महु जीव बिचारी, है ना। लेकिन विभीषण ने ऐसा काम किया कि उस पे राम की कृपा बिना तपस्या के हो गई। विभीषण ने कौन सा काम किया, जोर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, समर्पण तो बाद में हुआ है, पहले तो अर्पण होता है। विभीषण ने सतगुरु बनाया, गुरु मंत्र लिया, और जब गुरु मंत्र लेकर के विभीषण शिष्य बन गया,
तब गुरुदेव ने कह दिया, चिंता मत कर, चाहे तो 32 दांतों की तरह जीव रहती वैसे रह रहा है, पर विभीषण गुरु की कृपा से शिव की कृपा होती है और शिव की कृपा से राम की कृपा होती है। तेरे भाई लंका पति ने सतगुरु नहीं बनाया, इसलिए गुरु गुरु मंत्र न लेने के कारण रावण भटकता रहा, अटकता रहा, लटकता रहा, केवल अपने अज्ञान में भटकता रहा, झटकता रहा।